Assalamu alaikum. Today we'll be starting chapter number 4, Chemical Bonding, Short Answers. Question number 1. Draw dot and cross diagrams to show how different types of chemical bonds are formed when fluorine reacts with hydrogen. हमें डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ड्रॉ करना है जब फ्लोरीन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं. तो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हमें पहले ये पता करना होगा कि जो बॉन्ड फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में बनेगा क्या वो कोवलेंट बॉन्ड होगा या आयनिक बॉन्ड होगा. उसके हिसाब से हम लोग अपने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे. सो जो फ्लोरीन है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4 और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1. दोनों का जब डिफरेंस निकालते हैं तो 1.9 आता है. और डेफिनेशन के हिसाब से जिस कंपाउंड का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो वो आयोनिक कंपाउंड होता है. तो इसका मतलब ये है कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो आयोनिक होता है. तो यानी कि हाइड्रोजन अपना एक जो इलेक्ट्रॉन है वो कम्प्लीटली फ्लोरिन को ट्रांसफ़र कर देता है. क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, जब फ्लोरिन पोटेशियम के साथ रिएक्ट करता है तो फ्लोरीन का अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 4 और पोटेशियम का है 0.8. डिफरेंस इसका 3.2 है जो 1.7 से बड़ा है. तो इसका मतलब ये बॉन्ड भी आयनिक बॉन्ड होगा. तो अगेन जो पोटेशियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फ्लोरीन को ट्रांसफ़र कर देता है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मेंट बाय ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल. ऑक्टेट और डुप्लेट रूल से क्या मतलब है. एक एटम को अपनी स्टेबिलिटी फॉर्म में लाने के लिए, स्टेबल फॉर्म में लाने के लिए उसको अपना ये तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, लेना पड़ता है या शेयर करना पड़ता है. तो जो एटम्स होते हैं वो दो तरीके से अपने ऑक्टेट अपने स्टेबिलिटी फॉर्म में आ जाते हैं. एक होता है डुप्लेट रूल से. डुप्लेट रूल में ये होता है कि जो उनका वैलेंस शेल होता है, आखिरी शेल होता है, उसके अंदर उनके पास दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं. अब वो या तो वो अपने जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है दे देते हैं, इसलिए उनके आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर जो है वो दो इलेक्ट्रॉन वो गेन करते हैं जिसके वजह से उनके पास आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, या फिर वो शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की जिससे उनके पास दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं. यानी किसी भी तरीके से अगर एक एटम जो है अपने आखिरी शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर कर लेता है तो उसको हम फिर डुप्लेट रूल कहते हैं. इसी तरीके से अगर कोई भी एटम किसी भी तरीके से अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, तो उसको फिर हम ऑक्टेट रूल कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू ड्रॉ एन आयन विच इज फॉर्म बाय एटम लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स. एक ऐसा डायग्राम हमें फिगर ड्रॉ करना है जिसमें एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके आयन बनता है. अब 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने वाला जो होता है वो ग्रुप 3 के एलिमेंट्स होते हैं. तो आप ग्रुप 3 में से कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, उनका एटॉमिक मॉडल बनाएंगे, फिर जो उसके आखिरी शेल आप नोटिस करेंगे कि उसकी जो वैलेंस शेल है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो वो क्या करेंगे, आप वो जो आखिरी जैसे एल्यूमिनियम मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है, तो उनके आखिरी शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो रिमूव करके फिर यहाँ पे 3+ लिखा हुआ, यानी कि इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी यानी लूज हो कर चुका है वो. तो आप ग्रुप 3 में से कोई भी एक एलिमेंट ले सकते हैं, उन सब के आखिरी शेल में हमेशा से 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज ऑक्सीजन फॉर्म एन आयन. इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन एक आयन किस तरह से तैयार होता है. ऑक्सीजन जो है ग्रुप 6 का एलिमेंट है, तो इसका मतलब है उसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है. तो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है तो फिर वो एक एनायन या फिर एक आयन, पॉजिटिव आयन बन जाता है. क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर. लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में डिफरेंसेस हमें बताना है. सबसे पहले बॉन्ड पेयर वो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स होते हैं जो केमिकल बॉन्ड में टेक पार्ट करते हैं. यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर जो शेयर होते हैं या जो लूज होते हैं या गेन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड पेयर कहा जाता है. और वो इलेक्ट्रॉन जो किसी भी केमिकल बॉन्ड में कोई पार्टिसिपेट नहीं करते उनको लोन पेयर कहा जाता है. इसके अलावा बॉन्ड पेयर हमेशा बॉन्ड्स के अंदर मौजूद होते हैं, जबकि लोन पेयर जो होता है वो बॉन्ड्स के अंदर मौजूद नहीं होता. जो बॉन्ड पेयर होता है वो एक ही वक्त में 2 डिफरेंट एटम को बिलोंग कर सकता है, जबकि लोन पेयर जो है वो सिर्फ एक वक्त में एक ही एटम को बिलोंग करता है. बॉन्ड पेयर
तब बनता है जब कोई भी एटम जो है, कोई भी दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे होते हैं। लोन पेयर एम्प्टी ऑर्बिटल्स की वजह से तैयार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई टेबल सॉल्ट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। टेबल सॉल्ट यानी जो नमक हम लोग खाते हैं उसके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई क्यों होता है। अब टेबल सॉल्ट क्योंकि आयनिक कंपाउंड होता है तो इसका मतलब ये है कि उनके एटम्स के बीच में यानी Na और Cl के एटम्स के बीच में अट्रैक्टिंग फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनका स्ट्रक्चर स्टेबल होता है और जिसकी वजह से उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो इसीलिए स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने के लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इसी वजह से उसका जो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है यानी NaCl बेसिकली आयोनिक कंपाउंड होता है जिसकी वजह से उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत हाई होती है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू डिटरमाइंड बाय द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का और केमिकल बॉन्ड्स में बेसिकली जो रिलेशनशिप है ये किस तरह से पता चलेगा कि किस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में कौन से टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं वो हमें बताना है। जो आयनिक बॉन्ड होता है अगर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो है 1.7 से ज्यादा आ जाता है तो यानी कि जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड बन रहा होता है और आयनिक बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कह रहे होते हैं। इसी तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड के लिए लेस देन 1.7 अगर होगा डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू तो फिर वो कोवेलेंट बॉन्ड तैयार करता है। अगर आंसर आपका माइनस करने के बाद जीरो आ जाता है, जैसे शुरू में क्वेश्चन नंबर 1 में किया हम लोगों ने, तो उसका मतलब है कि आपके पास जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो नॉन पोलर है। लेकिन अगर वो जीरो से बड़ा लेकिन लेस देन 1.7 आ जाता है तो आपके पास जो कोवेलेंट बॉन्ड मिला है आपको दैट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो यानी बेसिकली जीरो पे जो आता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस दैट इज नॉन पोलर, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है 1.7 से कम आता है तो फिर वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा आता है तो वो आयोनिक बॉन्ड होता है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज का यूज़ कर सकते हैं पता करने के लिए किसी भी कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड तैयार हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, वाई इज इट सो ईजी फॉर मैग्नीशियम एटम टू लूज टू इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम का जो एटम होता है उसके लिए दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करना इतना आसान क्यों होता है। मैग्नीशियम क्योंकि ग्रुप 2 का एलिमेंट होता है तो उसका मतलब यह है कि उसके आखिरी वैलेंस शेल के अंदर आखिरी शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब वो दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लेता है तो उसके आउटर मोस्ट शेल यानी सेकेंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, यानी कि उसका जो ऑक्टेट होता है वो कम्प्लीट हो जाता है। तो इसी वजह से मैग्नीशियम के लिए बहुत आसान होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम्स ऑफ मेटेलिक एलिमेंट्स कैन फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स बट दे आर नॉट वेरी गुड एट फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स। जो मेटल के एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो एटम्स होते हैं वो आयनिक बॉन्ड्स तैयार कर लेते हैं लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड्स वो तैयार नहीं करते, तो ऐसा क्यों है। अब मेटल्स के अंदर जो एटम्स मौजूद होते हैं वो बेसिकली उनके पास जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत लो होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेते हैं। जब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो इसी वजह से जो मेटेलिक एलिमेंट्स हैं वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं जबकि वो कोवेलेंट बॉन्ड इतने अच्छी तरीके से नहीं बना सकते, उनके पास ये एबिलिटी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 10, एटम्स और आयंस में क्या फ़र्क है। एटम एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट होता है और ये केमिकल रिएक्शंस में टेक पार्ट करता है, और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के नंबर इक्वल होते हैं। आयंस आयनिक कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट होता है और ये इंडिपेंडेंटली जो है मौजूद नहीं होता, ये किसी कंपाउंड के अंदर या उसके साथ जो ऑपोजिट चार्ज आयन उसके इर्द गिर्द मौजूद होता है। आयन ये तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, वो न्यूट्रल नहीं होता। डिस्क्राइब डायपोल डायपोल फोर्सेस। डायपोल डायपोल फोर्सेस हमें एक्सप्लेन करना है। जब पार्शली नेगेटिव पार्ट किसी मॉलिक्यूल का पार्शली पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ तो जो अट्रैक्शन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है दोनों के बीच में दैट इज डायपोल डायपोल फोर्सेस। पार्शियली मतलब अधूरा यानी कम्प्लीटली पॉजिटिव नहीं है, तो यहाँ पे सिंबल बनाया हुआ है ये स्मॉल लेटर सिग्मा है, तो इससे हम पार्शियली शो करते हैं यानी कि ये पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं है, इसके अंदर थोड़ा सा जो है ये पॉजिटिव है,
तो जो पार्शियली पॉजिटिव होते हैं और पार्शियली नेगेटिव होते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, ताकि डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स बन सके, हम लोग लिखते हैं 2 moles, 3 moles, तो जो मॉलिक्यूल्स या उसके बीच में जो अट्रैक्शन बनती है, वीक अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है चार्जेस के बीच में, तो वो चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो डायपोल फोर्सेस कहलाता है। राइट यूजेस ऑफ एडहेसिव मटेरियल, ऐसे मटेरियल जो चिपकाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं डिफरेंट चीज़ों को, उनके यूजेस बताने हैं। जो पॉलीयूरेथेन ग्लू होता है वो जूते को फिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब उसका सोल निकल जाता है उसको चिपकाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से जो नेचुरल रबर बॉन्ड्स होते हैं वो लिफाफे को के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनके अंदर कंडक्टिव एडहेसिव का इस्तेमाल किया जाता है एज अ ग्लू, और जो ब्रिजेस एंड डैम्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसमें इपॉक्सी रेजिन का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर देन इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस से कमजोर क्यों होते हैं? जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के बनिस्बत कमजोर इसलिए होते हैं क्योंकि इंटरमॉलिक्यूल के अंदर पार्शियल चार्जेस यानी कंप्लीट चार्जेस का इस्तेमाल नहीं होता, उसके अंदर पार्शियल चार्ज होता है, अधूरा या आधा चार्ज होता है, जिसकी वजह से उनकी जो अट्रैक्शन होती है वो बहुत कम होती है। इसके अलावा चार्जेस के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो इन दो वजूहत की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस से कमज़ोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेटेलिक बॉन्ड, यानी मेटेलिक बॉन्ड्स से जो कंपाउंड्स तैयार होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड जो तैयार होता है उसके खूबियाँ क्या क्या, प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं या करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। सबसे पहले मेटल एटम्स जो हैं वो क्योंकि उनके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, तो इसलिए वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और वो पॉजिटिव चार्ज आयन्स तैयार करते हैं। इसके अलावा इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो मूव कर रहे होते हैं फ्रीली, जिसकी वजह से इनको डीलोकलाइज्ड यानी जो एक जगह पर ना खड़ा हुआ हो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। डीलोकलाइज्ड का मतलब है जो एक जगह पर ना हो, जो मूव कर रहा हो फ्रीली, तो इसीलिए जो मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। अब क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है और मेटल जब अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो एक पॉजिटिव आयन बन जाता है, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन पैदा होती है वो मेटेलिक बॉन्ड कहलाता है। नेक्स्ट इज कोवलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड टू ब्रेक, बट व्हाई डू मोस्ट ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड्स कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स? जो कोवलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड्स तैयार किए जाते हैं उनका स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता है और उनको तोड़ने में भी दिक्कत होती है, लेकिन उसके बावजूद उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम क्यों होता है? अब वो कम इसलिए होता है क्योंकि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाए जाते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही वक्त में दो डिफरेंट एटम के साथ होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है जो उनकी फोर्स होती है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर होती है कंपेयर टू अगर आयनिक बॉन्ड देखा जाए। तो इसी वजह से क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो म्यूचुअली शेयर हो रहे होते हैं दो एटम्स के बीच में, तो उस वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। क्वेश्चन नंबर 16 इज राइट ऑन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, जो आयनिक बॉन्ड से कंपाउंड्स तैयार किए जाते हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स हमें बताने हैं। सबसे पहला ये है कि आयनिक कंपाउंड जो होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है यानी ज्योमेट्रिकल शेप में होता है, वो हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब यानी कि जो चीज़ टूट जाए यानी जिसके पास इलास्टिसिटी ना हो वो आसानी से टूट जाए तो वो ब्रिटल होता है। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है, उसके इलास्टिसिटी की कोई खूबियाँ पाई नहीं जाती। इसके अलावा उनके पास लार्ज अट्रैक्टिंग फोर्स होता है जिसकी वजह से उनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत स्टेबल होता है, और अगेन लार्ज अट्रैक्टिंग फोर्स की वजह से उनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो हाई होती है। आयनिक कंपाउंड्स के पास क्योंकि आयन्स होते हैं जो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, इसलिए जब उनको एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर में मिक्स किया जाता है तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यानी कोई भी आयनिक कंपाउंड को पानी के अंदर मिक्स कर देंगे तो उससे क्या होता है कि उनके आयन्स तैयार होते हैं और उन आयन्स की वजह से जो सॉल्यूशन तैयार होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है।
नेक्स्ट इज व्हाई आर आयोनिक कंपाउंड सॉलिड. जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो सॉलिड स्टेट में क्यों होते हैं. अब सॉलिड स्टेट में इसलिए होते हैं क्योंकि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके एटम्स के बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है. तो इसके वजह से जो लार्ज अट्रैक्टिव फोर्स उनके अंदर मौजूद होता है, इस वजह से उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सॉलिड या स्टेबल स्ट्रक्चर में पाया जाता है. नेक्स्ट इज हाउ इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्टिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स. हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से कंपाउंड्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज में अफेक्ट कर रहा होता है, उस पर किस तरह से अफेक्ट होता है. अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो बेसिकली क्या होता है कि जो हाइड्रोजन और जब वो किसी और एटम से रिएक्ट करता है तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसका बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. उस डिफरेंस की वजह से जो अट्रैक्शन होती है वो पार्शियल होती है, यानी कि कंप्लीट अट्रैक्शन नहीं होती. इनके अंदर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरी तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है. तो इस वजह से पार्शियलिटी की वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे अफेक्ट कर रहा होता है. और यहाँ पे आप लोगों का शॉर्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 कम्प्लीट हो चुका है. अल्लाह हाफिज़.